हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अपने गांव, मतलब मेरे गांव, मेरे दादा दादी के गांव। वैसे मैं भी ना अपने गांव सिर्फ 5-6 बार ही गई हूँ, शादी में या पूजा वगैरह में। वो तो शादी, अपनी शादी के बाद तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है यार, गाँव तो गाँव होता है ना। तो जा रही हूँ। वैसे वहाँ पर सिर्फ मेरी 2 भाभियाँ ही रहती हैं, बट फिर भी ये इनको भी था और अपने कुल देवता वगैरह के पास भी हमें जाना था। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, यहीं पे मतलब मंदिर पड़ता है, रास्ते पड़ता है, क्या है, हमारे देवता है, मतलब कुल देवता ही समझ लो, ग्राम देवता, कुल देवता, जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे यात्री भी काफ़ी रहते हैं, क्योंकि ये केदारनाथ का रास्ता है ना, तो केदारनाथ बद्रीनाथ का रास्ता है, तो यहाँ पे यात्री भी काफ़ी रहते हैं। जैसे आप देख ही रहे होंगे, बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे और अच्छा लगा, अपने देवी देवता के पास जाके अच्छा लगता है। और शादी के पहली बार मैं जा रही हूँ, तो बच्चों को तो नहीं ले गए थे हम, बट हम ही गए थे, क्योंकि रास्ता ना मोड़ों मोड़ों वाला है, तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हम बच्चों को नहीं ले गए, हम ही गए। और पापा गए हैं, मेरा छोटा भाई गया है, मतलब उसकी गाड़ी से हम गए हैं। तो बस यहाँ पे दर्शन करके थोड़ा फ़ोटो वगैरह खिंचा के हम चल दिए थे आगे की तरफ। तो और यहाँ पे ये भी व्यवस्था मुझे अच्छी लगी कि जैसे जो ये श्रीफल वगैरह का वो था ना, तो वो हवन कुंड में डाले तो ठीक था, कि इधर उधर पाँव में लगने से अच्छा कि हवन कुंड में जल जाए ना। तो यहाँ पे बस हम निकल रहे हैं और फिर पहुँचेंगे अपने गांव। और अच्छा लगता है मुझे अपना गांव, तो अच्छा लगता है, भले कम गए हैं पर रही हूँ मैं वहाँ, जैसे गए हैं तो रही भी हूँ, ऐसे नहीं 5-7 दिन रही हूँ। और शादी में ही गए हैं, दो तो शादी में गए हैं, मेला होता है गांव में उसमें गए हैं, तो ऐसे ही गई हूँ, बट ये है कि अच्छा तो लगता ही है। तो यहाँ पे देखो, ये कच्चे मकान, ऐसे होटल है, कच्चे मकान वाले होटल। और यहाँ पे पराठे और छोले काफ़ी मतलब फेमस है यहाँ के। तो बस निकल गए हैं यहाँ से आगे की तरफ, और यहाँ से थोड़ा ही है हमारा गांव, बहुत ही कम है, मतलब नीचे ढलान की तरह, नीचे अब उतराई की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले हम घर गए थे, घर से आके हम सीधे यहाँ पे आ गए हैं अपने कुल देवता के मंदिर में। तो पहले झाड़ू वगैरह लगाई यहाँ पे, साफ़ सफाई, मतलब भाभी के बच्चे आए थे साथ में, तो उन्होंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी, मतलब वही घास वगैरह निकाल के पत्ते पेड़ों से। तो बस यहाँ पे मंदिर, और याद आ गए थे वो दिन जब ये मंदिर हमारा बना था, तो यहाँ पे बहुत वो 9 दिन की हरियाली बैठी थी, और उसके बाद फिर वो हुआ था, मतलब हवन वगैरह हुआ था। तो यहाँ पे बच्चे वीडियो बना रहे थे मेरे मेरे भी, यही देखो, ये है हमारे भतीजी भतीजे, तो ये वीडियो बना रहे थे। तो आसपास का व्यू भी बहुत सुंदर है, ये जो सारे खेत है ना, ये सब हमारे ही हैं, बट वो ये गांव में कोई रहता है नहीं, तो कौन करेगा, बस यही प्रॉब्लम होती है। और सभी इधर ही उधर रहते हैं। तो यहाँ पे पूजा वगैरह करके, आरती वगैरह करके हम आ गए थे, बाहर पे बैठे थे, याद करी थी अपने पुराने दिनों को, तो अच्छा लगा काफ़ी। और ये भी खुश हो गए थे, ये भी बोलते थे कि अपने गांव नहीं घुमाया तुमने, देखना है कैसा है क्या है। तो अभी तक तो यही था कि बच्चे हमारे छोटे थे, उसके बाद फिर कोविड वगैरह आ गया, तो इस वजह से हम जा भी नहीं पाए। तो ये खेत सारे हमारे आए थे यहाँ मंदिर, और दर्शन कर लिए हैं, पूजा कर ली है, तो अब चल रहे हैं। और ये हमारे बच्चे, आ जाओ बच्चों, इधर आओ, हाय करो सब, हाय करो सब, हाय करो ना। ये भी यूट्यूबर है, बल्कि इनके भी यूट्यूब चैनल है। आ जाओ, चलो घर। तो मुझे हाँ, क्यों रुक रहे? हाँ यहाँ आके बोल। हेलो गाइस, तो हम आ गए, अरे ये मंदिर से आ भी गए हैं। और बोलो, और बोलो गाइस, हम अभी मंदिर से पूजा करके आ भी गए हैं, मंदिर में हर देवता की। हाँ, अब हम अपने घर जा रहे हैं। हम अपने, देखो ब्लॉगर हैं, यहाँ भी ब्लॉगर रहते हैं। तो बस यहाँ पे हम जा रहे हैं, और बच्चों की मस्तियाँ तो देख ली होंगी, काफ़ी एक्टिव है बच्चे। और पता है चैनल भी बना रखे इन्होंने, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, बोले बुआ हमें भी सब्सक्राइब कर दो, हमें भी, मैंने कहा ठीक है आपको भी सब्सक्राइब कर देती हूँ। तो काफ़ी एक्टिव बच्चे होते हैं हमारे पहाड़ों के, हर चीज़ में, पढ़ाई में भी हो और घर के काम में भी हो, हर चीज़ में। अब देखो यूट्यूब भी चला रहे हैं, देखो कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो यूट्यूब भी चला रहे हैं। और ये है हमारा घर, और इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये है मेरी भाभी, और ये बंधी है इनकी गाय यहाँ पे। तो चलो करते हैं एंड वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।